बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पिच मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि सभी को पसंद आएगा। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे और सब शौक से पीना पसंद करेंगे। टेस्ट में भी ये बहुत डिफरेंट था और सबको बेहद पसंद आएगा। एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कुछ तैयारी मैंने पहले से ही कर ली। यहाँ देखिए मैंने 1/2 kg के बराबर पिच ले लिए, जिसे मैंने कटवा लिया था। ये देखिए मैं झटपट से मिल्क शेक बना रहा हूँ और बहुत ही सिंपल है और सबको बेहद पसंद आएगा। ये देखें इसे मैंने कटवा लिया और इसे मैं फ्रूट प्रोसेसर में डाल लूंगा। ये देखें, यहाँ देखें मैंने फ्रूट प्रोसेसर ले लिया और ये सारे पिच में इसके अंदर ऐड कर दूंगा। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा शुगर 2 tablespoons। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा आलमंड 8 से 10 अदर। आप कोई भी नट्स ले सकते हैं इस जगह, जो आपको पसंद हो। नहीं पसंद तो स्किप करें। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा 1 cup दूध। मेरा पका हुआ दूध है, हल्का सा मलाई भी जमा हुआ है, तो वो ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर। और अब मैं इसे पीस लूंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए, देखे सर्विंग मग मैंने ले लिया और ये मिल्क शेक में ऐड कर दूंगा इसके अंदर। देखिए इसके ऊपर मैं डाल दूंगा कटे हुए पिच और थोड़े से कटे हुए बादाम यूज कर रहा हूँ। ये देखे, तो ये देखे पिच मिल्क शेक मेरा तैयार है। और मैं आपको करीब से भी इसका लुक दिखा दूं, ये टेस्ट में भी बहुत लाजवाब था। आप भी बनाइए, आप सबको भी बेहद पसंद आएगा। बना के फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और बनाने में भी कितना सिंपल है। अगर आपको ये पिच मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।